साड़ी मैगी इहदे उपर थोड़ा रॉक साल्ट पा लाँगे, इहदे च थोड़ा गर्म मसाला आ गया, थोड़ी जी काली मिर्च पा लेना। ये देखो कितना सोहना लग रहा है वा, ये कोल्ड कॉफी। तो ये देखो साडा बर्गर कितना कैंट लग रहा है। शेकर दे मैंने एमएल लिखे होंगे ना, आप 300 ml पानी दुध पा लेना है। ये गाइस अपने को हींग हैगी है, थोड़ी जी हींग भी जी पनीर के उत्ते पा लेने है, आप थोड़ा डाइजेशन वधिया होंगी है। हे गाइज दिस इज अमित बबर एंड आई बैक विद अनदर वीडियो। होप करता गाइज तुम सारे जने बहुत वधिया होगे। नवा दिन ते नवे ब्लॉग च बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। ते गाइज अज दा ब्लॉग बहुत ही वधिया होने वाला है, वधिया इस करके क्योंकि अज दा ब्लॉग कुकिंग ब्लॉग होएगा। कुकिंग ब्लॉग इदा कि मेरा बड़े टाइम तो ना बर्गर खाने का दिल करता पाया है, टाइम नहीं लगता पे। अज भी 8:30 हो गए काम तो आते, तो सोचा कि थोड़े लिए वधिया जिहा ब्लॉग तैयार करिए। तो मैं भी चीट करन दा दिल करता पाया, तो सोचा कि क्यों ना एक बर्गर तैयार किया जाए, तो सारे नूं देख के वधिया भी लगे, थोड़ा अनहैल्दी तो थोड़ा जहाँ हैल्दी कर लवेंगे, तो वधिया कॉम्बीनेशन करके आप डिनर करा क्योंकि अब दिल करता पाया है। वा तो एक दिन चीट जायज़ हैगी है, तो जायज ये नहीं कि मैं खा रहा है तो मेरा दिल है, तो करके जायज़ हैगी है। जिन्हों नहीं भी खाना नहीं खावे, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, पर सारे कभी ना कभी करते हैं। सो आप करते हैं, इनग्रीडियंट सारे मैं तैयार कर लिया, बड़ी सिंपल जी रैसपी होएगी। तो वह एक ड्रिंक भी तैयार की हैगी है, वो ड्रिंक तो नॉर्मल पर बड़े टाइम तो पीने दिल करे करता है ऐसी, सो वो भी करा एंड हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, तो तुम वीडियो लाइक कर दो, शेयर जरूर करने वीडियो क्योंकि वीडियो बहुत वधिया होने वाली हैगी है। और पठानकोट का मैं जन्माष्टमी ब्लॉग किया, सारे टैंपल आप घूम के आए ही, जे भी वे वे सजे सारे मंदिर मोस्टली कवर किए ही सारे, तो वो तुम सारे ने वीडियो देखनी, पहले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पा दूंगा। तो हूँ आप मिलते हैं सीधे किचन के जाके, ठीक है जी। हाँ जी, तो गाइज साडी रैसपी का नाम हैगा मैगी पनीर बर्गर, तो फटाफट आप करते हैं तैयारी। ये देखो गाइज आ गई साडी कढ़ाई, तो गैस लीए जी आप बाल, तो सारे पता ही है ये आ गया साडा पानी चला जी। मेरा सारा काम ना ज्यादातर एस्टिमेशन ही चलता है, तो मैं मिन मुन के नहीं पाँगा, इदा हिसाब किताब कर लाइदा है थोड़ा जहा। पता ही है मैगी 2 मिनट में बनने वाली मैगी, ये भी पाने है पहला ही बाउल लेंगे, अपना सारे काम नाल ही करते रहने है, ठीक है जी। मेरे को पिया ही विबा का बर्गर मेयोनीस, तो ये पावे इधर पानी हेटा बॉयल हो गया, दो बर्गर तो मैं बना ही लेने पानी का, इसलिए देख रहे हो बॉइल हो रहा सा, मैगी पा दें है। तो ये क्रीम दी जिहड़ी बर्गर मेयोनीज हैगी है, ये आप थोड़ा जिहा अनियन पा लाँगे, ठीक है जी। फिर आगे थोड़े टमाटो पा लाँगे जी, थोड़ी जी मिर्च भी पा लें, फिर इन वधिया तरीके मिक्स कर लेंगे। ये तुम देख ही रहे हो उधर मैगी भी साड़ी छाल मारे वाली है, थोड़ा मैगी ना भी पंगे ले लें। थोड़ा रॉक साल्ट पा लाँगे, ये थोड़ा गर्म मसाला आ गया, थोड़ी जी काली मिर्च पा लें। एक गैस में बाल लेने पनीर ये आप पाना है, तो वह आप वधिया स्टाइल ना पावे, वधिया तरीके पनीर पावे। तो हूँ आप थोड़ा जहाँ ग्रीस कर लिया देसी घ्यो के नाल, ठीक है। तो ये साडा पनीर हैगा जी, तो इनू थोड़ा जहाँ आप गोल शेप के कटना, तो कट्टे देसी जुगाड़ गिलास हैगा,
बहुत वधिया साडा कटिया गया है। देखो पूरी गोल शेप दे विच ते थोड़ा जिहा पतला कर लैंदे आ। देखो ये गाइस हुण बनी गल थोड़ी काली मिर्च पा लेने ठीक है जी। थोड़ा गर्म मसाला पा लिया जो इंडियन मसाले है ना ये अपने ही बड़े फायदे है। गाइस अपने को हींग हैगी है थोड़ी जी हींग भी जी अपनी ईद उत्ते पा लेने है आप थोड़ा डाइजेशन वधिया होंगी है। और पहले चेक करो कितनी वधिया पैटी बनी है। आलू वाली टिक्की नालों दे सौ गुणा वधिया है प्रोटीन का सोर्स है। मैगी भी तैयार हो ही गई है देखो बस थोड़ा जहा पानी रह गया फिर उसके बाद सैट होनी है बिल्कुल। उन्नी देर आप अपने बर्गर कर लेने हैं सैट दोनों पासों चंगे तरीके आराम लगा है और आ गए साढ़े बर्गर खरीद लेने पैकेट लो जी। ये गाइस अपने बर्गर आ गए इन्हें भी नाल ना थोड़ा पा दे चेक करो गाइस कि क्रिस्पी हो हम एक साइड तो हो गया दूजी साइड तो हम दें तो उन्नी देर आप जी बर्गर वाली मेयोनीज़ सी वो अप्लाई कर दें देखो ठीक है जी। ये गैस कर दें बंद तो ये भी कर दें बंद क्योंकि साड़ी मैगी भी तैयार हो चुकी है जी तो साड़ा पनीर भी तैयार हो गया। अभी लग रही है टिक्की कोई कह नहीं सकता टिक्की नहीं है यार बर्गर तो थोड़ा जहाँ स्पाइसी करने आप ऐड करा पास्ता तो पिज़्ज़ा सॉस भी बदल ये आ गई गाइस ये करती आप पूरी अप्लाई लग गई। ये देखो जी बनती है गल कि नहीं थोड़ा जहा रॉक सॉल्ट थोड़ी काली मिर्च तो खूब आ जाएगी जी ये मैगी। ये गाइस आ गई साड़ी मैगी ये उपर लो जी गाइस साडा बर्गर हो गया तैयार पनीर बर्गर तो मैगी मैं काफ़ी लोड करके भरी है ये बहुत वधिया लगे तो देखने गाइस साडा बर्गर हो गया तैयार ये बर्गर आ गया ये आ गया शेकर शेकर के करना थोड़ी जी पा देनी चीनी अपने हिसाब न ठीक है चीनी नहीं पानी तो इदा ही पीने पर अपना पूरा नज़ारा लगा गया अज ठीक है जी। नाल दो पैकेट आ गए कॉफ़ी दे एक और पैकेट पा लेना आपने घैंट जी स्ट्रोंग जी पीवे साड़ा दुध शेकर दे मैं एम एल लिखे होंगे ना आप 300 एम एल पानी दुध पा लेना है ठीक है तो ही आप ढक्कन ला देना इस चीज़ का बहुत वधिया शेक हों ग चलो बिच ठीक है वधिया देखिए शेक कर रहा लो जी गाइस साड़ी कोल्ड कॉफी तैयार है देखो तुम चेक करो
बर्फ में पानी नहीं सी क्योंकि मेरा गला अगे खराब आ। साड़ी कोल्ड कॉफी ते साड़ा मैगी पनीर बर्गर रेडी है। लो जी हुण करदे आं इहनूं टेस्ट ते फिर मिलदे आं तुहानूं। हांजी ते गाइज हुण वारी है इहनूं टेस्ट करन दी। ये देखो किड्डा सोहणा लग रहा हैगा वा ये कोल्ड कॉफी ते ये देखो साडा बर्गर किड्डा कैंट लग रहा है। ये गाइज जो तुम खाओगे उदो तुहानूं पता लगना वधिया है कि नहीं है पर बहुत वधिया बनाया। ये देखो हुण चलिए बाइट देखो गाइज एक बार बना के देखो यही सोसा पायो यही जो जो मैं पाया पायो यही चीज़ ऐड करो इदा ही बनायो मैकडोनल्ड फील है। बर्गर किंग भी फेल है सारे बर्गर वाले फेल है। बहुत यमी बनया बहुत टेस्टी बनया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनया। चलो मैं जल्दी खा लेना है वा तो फिर आप मिलते हैं थानू। हाँ जी तो गाइज हूँ मैं बर्गर अपना फिनिश कर लिया है तो तुम देख ही लिया है कि घैंट बर्गर बने का है ही जो जो चीज़ा मैं पाइया ना उ पायो तो बन भी इदा दे लियो बॉन दे आते हैं बहुत वधिया वो ले लियो तुम। मैं कहना कि सारे फेल है एक बार ट्राई करियो जरूर। एक तो साफ सुथरी चीज़ हैगी घर बनाई हैगी चीज़ा जड़िया पाइया तीन देखिया सिंपल हैगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बहुत ही टेस्टी ही ये कोल्ड कॉफी का कॉम्बीनेशन बहुत ही वधिया रहा। तुम भी यही ट्राई करना है तो सेम कॉम्बीनेशन जे तुम ड्रिंक के कोल्ड कॉफी जगह कोई होर शेक ऐड करना तो कर सकते हो जो भी तुम पसंद करते हो भाई बनैना शेक ना ऐड कर लो कर लो बहुत वधिया है वै। होप करता कि तुम्हें यह छोटा जहा कुकिंग व्लॉग पसंद आया होगा तो जो पसंद आए तो वीडियो में लाइक करना चैनल में सबसक्राइब करना मेक श्योर करना बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो तो फायदा तुम्हें पता ही है जो ही मैं अपनी नवी वीडियो पाऊंगा तुम्हें सब तो पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं तुम्हें एक और नवे व्लॉग के नाल चंगा फिर अगली बारी बाय बाय।